जय हिंद दोस्तों। तो देखिए, राजस्थान हाई कोर्ट एग्जाम का जो सिस्टम असिस्टेंट का आपका एग्जाम हुआ था, उसका रिजल्ट आज डिक्लेयर हो चुका है। तो सबसे पहले उसका रिजल्ट देखने के लिए आप राजस्थान हाई कोर्ट की वेबसाइट के ऊपर जाइए। वहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक रिक्रूटमेंट करके आपको टैब दिखाई दे रहा है, वहाँ पे आप रिक्रूटमेंट के ऊपर क्लिक कीजिए। जैसे इसके ऊपर क्लिक करोगे और आप यहाँ पे देखिए, आपका रिजल्ट मिल जाएगा सिस्टम असिस्टेंट 2023। ठीक है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करोगे तो फर्स्ट वाला देखिए, 19/3/2024 के अंदर ही आपका यार लिख रखा है कि नोटिस रिगार्डिंग डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ रिटर्न टेस्ट फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ द पोस्ट ऑफ सिस्टम असिस्टेंट 2023। इसके ऊपर क्लिक करना है और इसको आपको डाउनलोड कर देना है। तो देखिए, बहुत ही फास्ट काम हुआ सिस्टम असिस्टेंट एग्जाम का। और वैसे जैसे ही मैं पहले बोल रहा था कि भाई, हाई कोर्ट के अंदर आपका जो चैनल है रिक्रूटमेंट का, वो बहुत फास्ट फॉरवर्ड के अंदर होता है। ठीक है, तो जिन भी स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हो गया है, उन सबका बहुत बहुत बधाई। जिनका रिटर्न क्लियर हो गया है, जो कट ऑफ थी, जो हम उम्मीद कर रहे थे, उससे भी कम कट ऑफ रही, तो खैर अच्छी बात है। अगर कट ऑफ रही कम रही है और आप अगर कट ऑफ क्वालिफाई कर पा रहे हैं, तो आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। जिन भी स्टूडेंट्स का नहीं सिलेक्शन हुआ है, बिल्कुल भी आप निराश नहीं होना है। ये एक लंबी रेस है और आपको लगातार क्या करता रहना है, इसके अंदर दौड़ते रहना है, कछुए की तरह चलते रहो, आपको जीत जरूर मिलेगी एक दिन। ओके, तो चलिए क्या दिया हुआ है देखिए, आपका जो रिजल्ट आ गया 19 तारीख को, आज डिक्लेयर कर दिया गया है राजस्थान हाई कोर्ट के अंदर सिस्टम असिस्टेंट का। और आपका जो एग्जाम हुआ था 3 मार्च 2024, और आज 19 मार्च 2024 का आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है। तो बहुत ही फास्ट स्पीड के अंदर आपका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है, और लगभग 5 गुना जो स्टूडेंट्स हैं उनका सिलेक्शन हुआ है। और टाइपिंग के लिए, किसके लिए? टाइपिंग के लिए। तो चलिए देखिए, ये आप सभी के रोल नंबर्स हैं, जिन भी स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है, फटाफट से एक बार कमेंट कर दीजिए कि सर मेरे इतने इतने नंबर आ रहे हैं, और मेरा इस रोल नंबर के अंदर जो ये आंसर सी आंसर है, जो आपके रिजल्ट जारी हुआ उसके अंदर आपका नंबर आ चुका है। ओके, और भी आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो बिल्कुल कमेंट कीजिए, कमेंट भर भर के कमेंट कीजिए, और वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए। सबसे पहले इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो 5 गुना अभ्यर्थियों को लिया गया है, और बहुत बहुत ही बधाई आप सभी को। देखिए, यहाँ पे कट ऑफ की अगर हम बात करें, तो कट ऑफ जैसे एक्सपेक्टेड की थी, तो प्लस माइनस होता रहता है, तो हम तो यही बात करेंगे भाई, पॉजिटिव साइड की बात करेंगे। और आपकी कट ऑफ जनरल की देखिए, 68 कट ऑफ गई है आपकी, और कट ऑफ में ज़्यादा वेरिएशन नहीं है। अगर एससी कैटेगरी की बात करूँ तो 67, 1 नंबर कम गई है, और एसटी की बात करूँ तो 63, लगभग 4-5 नंबर कम गई है, और बाकी ओबीसी की बात करें अब तो 68 गई है, और एमबीसी की बात करें तो 65 गई है, और ईडब्ल्यू की बात करें तो 68 गई है। मोस्ट प्रोबेबली अगर कट ऑफ की हम बात करें, तो 68 नंबर कट ऑफ हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है कुल मिला के। ओके, तो कट ऑफ बिल्कुल आपके 68 नंबर गई है ना। अब आपको क्या करना है यहाँ में, अब आपको क्या करना है, टाइपिंग के लिए बिल्कुल कमर कस लेना है यहाँ पे, है ना। टाइपिंग के लिए देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, तो जो भी स्टूडेंट्स इलिजिबल है टाइपिंग के लिए, वो उन बिल्कुल आपको तैयारी करनी है। फिर देखिए यहाँ पे 99 क्वेश्चंस और 99 मैक्सिमम। एक क्वेश्चन क्या किया गया है आपके यहाँ पे, डिलीट किया गया है, तो आपके जो मार्क्स कैलकुलेट किए गए वो 99 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग किए गए हैं ना। और जो भी स्टूडेंट्स क्वालिफाई नहीं हुए, देखिए जो भी स्टूडेंट्स क्वालिफाई नहीं हुए हैं, उनके मार्क्स बहुत जल्दी इस वेबसाइट के ऊपर आपके अपलोड कर दिए जाएंगे। ओके, और देखिए, अगर कोई विडो कैंडिडेट नहीं मिलता है, वेर एवर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ एलिजिबल विडो कैंडिडेट्स वर नॉट अवेलेबल, द शॉर्टफॉल हैज बीन मेड अप बाय डाइवोर्स कैंडिडेट, तो डाइवोर्स कैंडिडेट को क्या कर दिया जाएगा, वो सीट दे दी जाएगी अकॉर्डिंग रूल्स 2002। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए, जो भी कैंडिडेट है, वो अगर आपके जनरल की कैटेगरी से भी ज़्यादा अगर नंबर लेके आए थे, उन सबको उस कैटेगरी के अंदर काउंट कर लिया जाएगा। 41172 जो आपका रोल नंबर हुआ था, उसने मैनिपुलेशन किया है एडमिशन कार्ड के अंदर, इसलिए उसको होल्ड कर दिया गया है उसके जो रिजल्ट को। फिर देखिए यहाँ पे, वुमेन के लिए कोई सेपरेट रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किया गया है। ओ माय शिट के अंदर कुछ महानुभाव थे, कुछ अभ्यर्थी जिन्होंने यहाँ पे कुछ गलत गलत किया है, तो देखिए मैं बार बार बोलता हूँ, ओएमआर की आप जरूर प्रैक्टिस करके जाइए। अगर आप ओएमआर शीट गलत भर के आएंगे, तो आपको समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, और ये जो वो स्टूडेंट्स हैं जिनको बिल्कुल समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, इन्होंने क्या कर दिया, कुछ बबल ज़्यादा भर दिए, कम भर दिए, तो ये उन लिस्ट है स्टूडेंट्स की। फिर इसके अलावा कुछ स्टूडेंट जिन्होंने क्वेश्चन पेपर बुकलेट सीरीज ही गलत कर लिया, एक से ज़्यादा बबल भर दिए, ये हैं। ओके, तो फाइनली जिन भी स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है, उनको मैं एक बात बोल देता हूँ
कि हाई कोर्ट का जो सिलेक्शन का जो प्रोसेस है वो बहुत फास्ट है। आप सभी को क्या करना है, आपकी टाइपिंग के ऊपर आप दिन रात आप मेहनत कीजिए। मुझे ऐसा लगता है कि हार्डली 15 से 20 दिन आपको मिलने वाले हैं, और मोस्टली अगर हम मान के चले तो 1 महीने के अंदर आपके टाइपिंग बिल्कुल हो जाएगा, टाइपिंग बिल्कुल आपका हो जाएगा। जिन भी स्टूडेंट की स्पीड अच्छी खासी आ रही है 30 से 35 से लेके, तो बिल्कुल आप और तैयारी कीजिए, और जिनकी कम आ रही है तो फटाफट आज से ही आप लग जाइए अगर आपका इस लिस्ट के अंदर नाम आ गया है तो। अब जो जॉब है वो आपके हाथ के अंदर है, अब ये सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको जॉब लेनी है नहीं। ओके, तो जिन स्टूडेंट्स का आईए के अंदर भी सिलेक्शन हो रहा है और यहाँ पे सिस्टम असिस्टेंट के अंदर भी सिलेक्शन हो रहा है, खैर आईए का तो रिजल्ट अभी तक वेटिंग के अंदर है, वो भी बहुत जल्दी आने वाला है, और सिस्टम असिस्टेंट के अंदर भी सिलेक्शन हो रहा है, तो बेटर जॉब अगर हम बोले तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि भाई आपको एक ही स्ट्रीम के अंदर जाना है। जैसे जुडिशियल के अंदर अगर आप कदम रखते हैं तो फिर आप जुडिशियल की ओर ही बढ़ते रहेंगे, और अगर यहाँ पे आईए सर्विसेज के अंदर अगर आप जाते हैं आईए एग्जाम आईए के अंदर, तो वहाँ आपको अलग अलग डिपार्टमेंट भी देखने को मिल सकता है। और ऑब्वियसली बात है, जुडिशरी के अंदर चूंकि ये नई नई पोस्ट है तो वहां पे आपके प्रमोशन बहुत जल्दी होंगे। आईए के अंदर भी गवर्नमेंट के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट है, तो वहां पे हर समय कैडर रीऑर्गेनाइजेशन हो रहा है, तो वहां पे भी आपको क्या देखने को मिलेगा, प्रमोशन देखने को मिलेंगे। ठीक है, बाकी और कोई आपके कमेंट हो तो प्लीज जो भी आपके क्वेश्चन हो कमेंट कर दीजिए, बिल्कुल कमेंट कीजिए, मैं हर एक कमेंट का जवाब देता हूँ, आप अच्छे से जानते हैं। और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।